हेलो और स्वागत है आपका मेरी चैनल द सिटी वुमन में, जहाँ पे हम बात करते हैं वुमन फैशन एंड लाइफस्टाइल की। ये चैनल पे मैं हॉल वीडियोस बनाती हूँ और स्टाइलिंग वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो आज ऑलमोस्ट मैं एक मंथ के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज पहले हम लोग घूमने गए थे दुबई, फिर वहां पे हमें कोविड हुआ था, तो हमारी जो हॉलीडेज थी वो हमें थोड़ी एक्सटेंड करनी पड़ी, और फिर उसके बाद यहाँ पे आए, फिर अनपैकिंग, थोड़ा घर में सब मैनेज करना, फैमिली में कुछ कुछ चल रहा था, फैमिली में शादी थी, जीएंस के बहुत सारे स्कूल के असाइनमेंट बाकी थे, तो वो सब करते 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 मेरा एक महीना ऐसे ही निकल गया। मैंने सोचा था मुझे एक छोटी ब्रेक चाहिए, बट ये ब्रेक मेरी बहुत ही लंबी हो गई। तो आई होप आप लोग सब मेरे वीडियो की वेट कर रहे होंगे, और मैं खुद भी सोच रही थी, मेरे सब्सक्राइबर सोच रहे होंगे कि क्या है, एक महीने से कुछ वीडियो नहीं है। बट बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती है, और हम लोग ऑलवेज हमें जो पसंद है वो चीज को हम लोग ऑलवेज लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं दो दिन से सोच रही थी मैं आज रिकॉर्ड करूं, कल रिकॉर्ड करूं, बट हो ही नहीं रहा था। बट आज फाइनली मैं जल्दी उठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके लिए थोड़ा लाइट का भी इश्यू आ रहा होगा, जियांश को मैंने बाहर हॉल में सुला दिया और मैंने बोला अभी आज तो मुझे रिकॉर्ड करना ही है। सो यस, लेट्स मूव ऑन टू द टुडेज वीडियो। सो माय टुडेज वीडियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉल वीडियो एंड स्टाइलिंग वीडियो, मतलब ये हॉल भी है जो कुछ कुछ चीजें मैंने ली है, और ये स्टाइलिंग भी है जो ऑलरेडी मेरे पास थी, वो चीजों को मैंने कैसे मिक्स एंड मैच करके एक पूरा सेट बनाया है। अभी हमारे घर में शादी थी और मैंने शादी में बहुत सारे डिफरेंट लुक किए थे, दो शादी थी तो दोनों शादी में डिफरेंट फंक्शन थे, तो सब फंक्शन में मैंने अलग अलग लुक क्रिएट कर किए थे। आई एम नॉट लाइक के ऐसे कोई एक अच्छा खासा पूरा एक ड्रेस ले लिया, वो शादी में पहन लिया, एक पूरे चनिया चोली ले ली और वो शादी में पहन ली। मुझे कभी भी ऐसे रेडी जो कपड़े रहते हैं वो मुझे ऐसे पहनने पसंद नहीं आते हैं। मैं डेफिनेटली इतना स्टिच भी नहीं करवाती हूँ, बट मैं चीजें अलग अलग जगह से लेके फिर उसको मिक्स करके पहनती हूँ, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम अलग तरीके से भी पहन सकते हैं, तो वो यूज होते हैं। तो मैंने ऐसे सब चीजें मैंने मिक्स करके एक बहुत सारे शादी के वेडिंग के लुक बनाया है। सो वेडिंग लुक में जो सबसे इम्पोर्टेंट लुक रहता है वो डे टाइम का लुक रहता है, कि एक्चुअली शादी के टाइम पे हम लोग कैसे कपड़े पहनेंगे। तो मेरे घर पे दो शादी थी, तो मैंने दोनों टाइम पे मैंने डिफरेंट लुक क्रिएट किए थे, कि वो डिफरेंट भी लगे, ऐसे ना लगे कि भाई साड़ी ही पहन ली है या तो सिर्फ ऐसे चनिया चोली ही पहन लिए है। तो मैंने एक टाइम पे मैंने नॉर्मली साड़ी पहनी थी, बट उसके साथ मैंने जो ब्लाउज पहना था उसमें मुझे बहुत लोगों की कमेंट आई थी कि निधि ये ब्लाउज आपने कहां से लिया है, कहां स्टिच करवाया है। तो मैंने सबको बोला कि ये तो मैंने पहले मेरे हॉल वीडियो में दिखा दिया था, बट कुछ कुछ लोगों को नोटिस में नहीं आया होगा। तो ये ब्लाउज मैंने लिया था, अमेजोन से लिया था, और दिस कॉस्ट मी अराउंड 600 या 700 रुपीज में ही मुझे ये ब्लाउज मिला था। तो ये पूरा ऐसे बोटनेक का ब्लाउज है, जो बोटनेक अभी बहुत ही ट्रेंड में आ रहे हैं, लोग कॉटन की साड़ी के साथ ऐसे बोटनेक ब्लाउज पहनते हैं, चनिया चोली में लोग बोटनेक ब्लाउज पहनते हैं, तो ये अभी बहुत ही ट्रेंड में था और ये मुझे रेडी मिल गया और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी थी। तो ये वाला जो था वो ब्लाउज था, इसमें यहाँ पे बैक में ऐसे बटन्स दिए हैं, और अगर आपकी साड़ी ज्यादा हैवी है और आप इसे ज्यादा हैवी ब्लाउज बनाना चाहते हो तो आप इसमें लेस लगा सकते हो, थोड़ा बहुत वर्क करवा सकते हो। जो एकदम ही डे टाइम में साड़ी के साथ ब्लाउज पहनना, हेयर स्टाइल करना, ज्वेलरी पहनना, वैसा मैंने फर्स्ट जो वेडिंग थी उसमें ये पूरा लुक क्रिएट किया था। देन सेकेंड वेडिंग थी, उसमें मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था, कि अभी साड़ी नहीं पहननी है, कुछ मैं अलग पहनती हूँ, और मैं जब भी घूम के आई तभी मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा था कि अभी मैं क्या करूं। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें अलग अलग थी जिसको मैंने मिक्स एंड मैच करके पूरा एक लुक क्रिएट किया था, और इसपे भी मुझे बहुत लोगों की कमेंट आई थी कि निधि बहुत अच्छा दुपट्टा है, बहुत अच्छा स्कर्ट है। तो मैं सब आपको बता देती हूँ कि मैंने ये सब चीजें कैसे मिक्स एंड मैच की थी। तो फर्स्ट जो है ये स्कर्ट था, ये वाला स्कर्ट भी मैंने मेरे एक हॉल वीडियो में पहले दिखाया था, बट आई डोंट नो कौन सा हॉल वीडियो था। ये इंडिया ब्रांड का टायर्ड स्कर्ट है, ये बेज कलर का पूरा स्कर्ट है, तो ये वाला स्कर्ट मैंने पहना था।
ये स्कर्ट बहुत बहुत ही अच्छा है, इसमें मेरी साइज स्मॉल साइज है और इसमें अवेलेबल रहती है। ये मैंने बहुत पहले ये स्कर्ट लिया था, बट ऐसे हुआ था कहीं पे पहनना कुछ हो नहीं रहा था, बट जैसे ही शादी आई वैसे मैंने सोचा अभी ये स्कर्ट का मुझे कुछ ना कुछ यूज तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके साथ मैंने अगेन अमेजोन से एक ब्लाउज लिया था, ये रेड कलर का ब्लाउज पहना था, ये भी सेम वही बोटनेक है और इसमें छोटी सी ऐसे लेस भी है, इसके भी जो बटन्स है वो बैक में दिए हैं और इसकी भी फिटिंग बहुत ही अच्छी है। सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अगर आपको बाय करना है तो आप वहां से बाय कर सकते हो। और एक ये दुपट्टा था जो मैंने थोड़े टाइम पहले लिया था, बट मैंने शायद मेरे कोई हॉल में नहीं दिखाया था, बिकॉज मैं कौन से वाले हॉल में इसे क्लब करूं वो मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही रहने दिया था। तो ये वाला दुपट्टा जो है वो मैंने अमेजोन से लिया था, दिस कॉस्ट मी अराउंड 800 रुपीज, बट ये बहुत ही अच्छा दुपट्टा है। ये पूरा ऐसे थ्रेड वर्क का दुपट्टा है और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। सो ये पूरा ऐसा दुपट्टा है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर है। ये मैंने शायद मेरे पहले के हॉल वीडियो में दिखाया है नहीं दिखाया है, मुझे इतना याद नहीं, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने ये वाला चीज मैंने बता दी है या नहीं बता दी है, बट ये शायद मैंने नहीं बताया। ये पूरा थ्रेड वर्क का दुपट्टा है, तो मैंने ये स्कर्ट पहना था, इसके साथ ये ब्लाउज पहना था और इसके साथ ये दुपट्टा रैप किया था, बाल खुले रखे थे और थोड़ी ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी पहनी थी। तो ये मैंने थोड़ा एकदम टिपिकल इंडियन लुक नहीं, बट थोड़ा इंडो वेस्टर्न टाइप का लुक क्रिएट किया था, जैसे स्कर्ट था तो वो थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक देता है। तो ये लुक पे भी मुझे बहुत लोगों की कमेंट आई थी कि ये आपने कहां से लिया, तो नाउ यू ऑल नो कि ये सब चीजें मैंने कहां से ली है। तो यस, ऐसे आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी जो आप मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हो। कभी कभी हमारे पास कोई साड़ी रहती है जो बहुत बार पहन ली होती है, तो आप उसमें से स्कर्ट बनवा सकते हो, या तो उसे कट करके उसमें से दुपट्टा यूज कर सकते हो। आपका कोई ब्लाउज रहेगा उसको आप स्कर्ट के साथ, कोई दुपट्टे के साथ पहन सकते हो। तो ऐसे कुछ मिक्स एंड मैच करके भी आप लोग कोई वेडिंग लुक क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो दो लुक थे वो संगीत के लुक थे, और संगीत के लुक में मुझे ऐसे चाहिए था कि मुझे एकदम फ्री लुक चाहिए था, मतलब मैं आराम से गरबा वरबा खेल सकूं वैसे मुझे चाहिए था। मुझे उसमें कोई दुपट्टा नहीं चाहिए था और कोई ऐसा रैपिंग करना पड़े, ऐसा कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए थी। तो मैंने संगीत के दो लुक क्रिएट किए हैं। जो सबसे फर्स्ट लुक था उसमें मैंने एक पिंक कलर का स्लीवलेस गाउन पहना था, उसके ऊपर जैकेट पहना था और पिंक कलर का स्लीवलेस गाउन पहना था। ये वाला गाउन मैंने आजियो से लिया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये पूरा ऐसा फ्लोर लेंथ गाउन था, पूरा ऐसे पिंक कलर का गाउन था और एकदम प्लेन गाउन था। तो अभी प्लेन गाउन था तो मुझे पहले मैंने सोचा मैं ऐसे ही पहन लूं, बट मैंने सोचा देन प्लेन गाउन इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बहुत टाइम पहले अजियो से एक ये एथनिक जैकेट लिया था, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये वाला एथनिक जैकेट मैंने अजियो से लिया था, तो ये वाला जैकेट मैंने ये गाउन के साथ पहना था, तो वो एकदम ही इंडो वेस्टर्न लुक दे रहा था, एकदम फ्री लुक दे रहा था। तो ये वाला वो जैकेट था, ये भी आई थिंक पॉलिस्टर का जैकेट है और इसमें बहुत सारे कलर है, तो ये जैकेट तो मैं आगे भी बहुत डिफरेंट वेज से पहन सकती हूँ। तो ये वाला लुक था, इसके साथ मैंने सिर्फ एक पोनी टेल ली थी और बड़ी बड़ी वाली इयरिंग पहनी थी, तो वो भी एकदम थोड़ा रिसेप्शन लुक, थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक और थोड़ा संगीत लुक, वैसा सब मिक्स हो रहा था। तो ये एक लुक था। उसके बाद जो सेकंड संगीत का लुक था, मतलब सेकंड वेडिंग में जो संगीत का लुक था, उसमें मैंने ये पिंक वाला स्कर्ट पहना था। ये स्कर्ट मैंने आई थिंक बहुत पुराने मेरे कोई हॉल वीडियो में दिखाया है, ये मैंने मिंत्रा से लिया था ये वाला स्कर्ट, ये पिंक कलर का स्कर्ट मैंने पहना था। और फिर उसके साथ मैंने थोड़े टाइम पहले मैं जब ये बैंड्रा हिल रोड गई थी, वहां से मैंने एक ये वाला टॉप ऐसे ही रैंडमली ले लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और पिंक कलर मेरा फेवरेट है, तो मुझे पिंक कलर में दिखा तो मैंने ले लिया था। तो बहुत टाइम से वो ऐसे ही पड़ा था और मैं सोच रही थी इसको मैं पहनूंगी किसी के साथ तो पहनूंगी, बट फिर ये टाइम जब भी मैं संगीत का मेरा कोई लुक क्रिएट कर रही थी तभी मुझे ये टॉप दिखा और मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं इसको ये स्कर्ट के साथ पहन लेती हूँ। डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन मैंने किया था। ये वाला टॉप जो है मैंने रिसेंटली कोई यूट्यूबर को मीशो पे मिल रहा है ऐसे, मतलब रिसेंटली वो यूट्यूबर ने ये वाला टॉप दिखाया था और उनका वो मीशो का हॉल था, तो शायद ऐसा वाला टॉप मीशो पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो मीशो पे। और इसकी ये इनर साथ में आई थी,
तो ये वाला टॉप मैंने पहना था, ये मैंने स्कर्ट पहना था और बाल मैंने खुले छोड़े थे और बड़ी सी इयररिंग पहनी थी। सो ऐसा मैंने एक सिंपल संगीत का लुक किया था। तो ऐसा भी बहुत सारे लुक आप क्रिएट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई आपका वेस्टर्न टॉप है और कोई स्कर्ट है तो उसको भी मिक्स एंड मैच करके आप ऐसा कोई इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकते हो जो आपको एकदम फ्री भी रखेगा संगीत में और आप इसे इंजॉय भी कर पाओगे। उसके बाद जो वेडिंग में एक लुक जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है हल्दी का लुक, और हल्दी के लुक में बाय डिफॉल्ट हमें येलो कलर के ही कपड़े पहनने होते हैं। बट ये टाइम ऐसे हुआ कि मुझे येलो कलर कहीं पे भी ऑनलाइन में कहीं पे मुझे पसंद नहीं आ रही थी, मतलब मैं क्या पहनूं वो भी मैं सोच रही थी, कुर्ती पहनूं साड़ी पहनूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एट द एंड मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं काफ्तान पहनती हूं। मैंने मिंत्रा पे बहुत सारे काफ्तान ढूंढ के भी रखे बट सबकी डिलीवरी डेट बहुत लेट आ रही थी, जैसे मतलब हमारी फंक्शन की जो डेट थी उससे लेट आ रही थी। तो ये वाला काफ्तान जो है वो मैंने हमारे यहाँ के एक शॉप है वहां से लिया। काफ्तान के लिए अगर मैं बात करूं, मैंने ये बहुत ही एक्सपेंसिव लिया, बट काफ्तान आप स्टिच भी करवा सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छा खासा दुपट्टा है तो आप दुपट्टे में से काफ्तान स्टिच करवा सकते हो, आपकी कोई साड़ी है उसके पल्लू में से काफ्तान स्टिच करवा सकते हो, कोई मटेरियल लेके भी आप काफ्तान स्टिच करवा सकते हो। क्योंकि काफ्तान की स्टिचिंग में कोई इतने बड़े डिजाइनर टेलर की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ साइड से स्टिच करना रहता है। तो आप कोई कहीं पे भी नॉर्मल लोकल टेलर के पास भी काफ्तान स्टिच करवा सकते हो, और मिंत्रा पर भी बहुत सारे काफ्तान अवेलेबल है। बट मुझे सिर्फ डिलीवरी डेट लेट मिल रही थी, इसके लिए ये मैंने फिर ऑफलाइन ले लिया। और एक जो मैंने येलो कलर का सेकंड फंक्शन में जो मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना था वो भी मैंने लोकल स्टोर से लिया, क्योंकि हम लोग दुबई से बहुत लेट आए थे और फिर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं सर्च करूं और ऑर्डर करूं और फिर वो आए। तो मैंने फिर रैंडमली ही मेरे पास मेरे यहाँ पे एक जो लोकल शॉप थी वहां से मैंने वो येलो कलर का भी ले लिया था। तो ये कंप्लीट मैंने वेडिंग लुक जो डिफरेंट हमारे घर पे जो वेडिंग थी दो, उसमें ये सब डिफरेंट वेडिंग लुक क्रिएट किए थे। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो, ऑल माय वेडिंग लुक। मैंने मेरी घर पे जो दो शादी थी उसमें मैंने ये सब लुक क्रिएट किए थे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस लुक। आप ऐसे कोई लुक क्रिएट करना पसंद करते हो या नहीं करते हो? ऑलवेज घर में बहुत बार ऐसे हो जाता है, दो तीन शादी बैक टू बैक आ जाती है और फिर हम लोग सोचते हैं यार इतना सारा खर्चा करना पड़ेगा, सब फंक्शन के लिए नए नए कपड़े लेने पड़ेंगे। बट कभी कभी ऐसी ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप मल्टीपल वे से पहन सकते हो, जैसे कोई स्कर्ट है, कोई श्रग है, कोई जैकेट है, वो सब चीजें आपको आप उसे एज अ विंडो वेस्टर्न एज अ वेस्टर्न बहुत सारे तरीके से पहन सकते हो। सो यस, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।